नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो वेस्ट है वो है QR कोड पर। आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि अब ज़्यादातर जो जगह हैं, प्लेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर QR बेस्ड कल्चर जो है आ गया है। अब आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को टाइप नहीं करना होता है, जस्ट आपको स्कैन करना होता है QR को, और आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको जब अलग अलग डिवाइसेस पर हम यूज़ करते हैं, तो कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट स्कैनर को अब देने लगे हैं, और जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें स्कैनर बाय डिफ़ॉल्ट साथ में आता है। जिन डिवाइसेस पर स्कैनर नहीं होता है, आपको दिक्कत आती होगी, उसके लिए एक बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन में कितने सारे आप काम कर सकते हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो उस एप्लीकेशन की है, उसमें आप खुद का जो वीडियो भी है, हम कह सकते हैं कि स्कैन आप करके और QR कोड बना सकते हैं। आप अपने किसी फाइल को, कोई डॉक्यूमेंट्स को, किसी वीडियो को, ऑडियो को, या फिर नंबर को, एड्रेस को, अपनी इंफॉर्मेशन को, जो भी चीज़ है उसका आप QR कोड बना सकते हैं। आप जिस भी फॉर्म में बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, प्ले स्टोर पर लिखना है स्कैनर ऐप। आप ये देख रहे हैं जो गामा प्ले करके सबसे फेमस एप्लीकेशन है, आप रिव्यूज़ पढ़िए, 4.5 रेटिंग है, 2 मिलियन रिव्यूज़ हैं दोस्तों इसके, साथ साथ 100 मिलियन प्लस से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं, 5 MB का साइज है। उसको जो है आप यहाँ से इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए हमारे पास ये एक स्कैनर था, और इसने इसको नैनो सेकंड्स के अंदर जो है स्कैन कर दिया। इतना फास्ट प्रोसेसिंग टाइम जो है दोस्तों, हमने अभी तक तो किसी भी उसमें नहीं देखा है। देखिए, मैं एक बार और बैक करके आपको दिखाता हूँ। ये जैसे ही दोस्तों ये आपने सामने आता है QR, और वो पूरी तरीके से इसको स्कैन कर देता है। इतना फास्ट प्रोसेस है। अब आपको करना क्या है, ये जो लिंक दी हुई है, ओपन लिखा है, शेयर लिखा है, कॉपी लिखा है, जो भी आप करना चाहें, हम जैसे ही इस लिंक पर, ये एक QR कोड बना है गूगल फॉर्म के लिए, और हमने इस पर क्लिक किया, और देखिए ये इस तरीके से फॉर्म खुल गया है, और आप अपना काम जो है आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात तो हो गई इसकी बाय डिफ़ॉल्ट कि कैसे हमने इसको किया। अब आप जो इसके ये 3 ऑप्शन देख रहे हैं, उन पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ लिखा रहा है सर्च इमेज, स्कैन इमेज, फेवरेट्स, हिस्ट्री, माई QR, क्रिएट QR, सेटिंग्स, शेयर आर एप्स, रिमूव एड्स। तो दोस्तों, इसमें आप स्कैन इमेज, विच मीन्स कि आप अपने डिवाइस में किसी QR कोड को स्कैन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका दोस्तों जो सबसे अच्छा पार्ट है वो है माई QR और क्रिएट QR। माई QR में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना QR बना सकते हैं। देखिए, हमने बनाया हुआ है। इस QR के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन सेव्ड है ये नीचे लिखा हुआ है, नाम और जो है आपका पता, इसके साथ ही एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और कोई डिस्क्रिप्शन में आप मैसेज देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। आप जो है यहाँ 3 डॉट पे जाने के बाद इसको डिलीट कर सकते हैं, और अगर आपको फिर से बनाना है तो ये देखिए, ये नाम हो गया है, ये कॉलेज, ये आपके कंट्री का नाम, ये मैसेज, इस तरीके से बना के आप यहाँ टिक पर साइन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्लिक करते ही ये जो है यहाँ पर QR कोड बन गया है। अब दोस्तों, ये जो सेकंड ऑप्शन है क्रिएट QR का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं कितना सारे कंटेंट्स के QR कोड आपको मिलने वाले हैं। क्लिपबोर्ड पे कोई डेटा कंटेंट कॉपी हो उसका QR बना सकते हैं, URL का, टेक्स्ट का, कॉन्टेक्ट का, ईमेल का, SMS का, जियो फ़ोन, कैलेंडर, वाईफाई, इतने सारे आप, इसी के साथ साथ ये अदर टाइप भी हैं, EAN 8, कोड, बारकोड, ITF, PDF, डेटा मैट्रिक्स। और दोस्तों, ये जो कि बहुत ही अच्छे हैं, देखिए मैं आपको, मान लीजिए यहाँ पर कोडा बार करके मैं बना के दिखाता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं नंबर लिख देता हूँ और यहाँ टिक पर साइन करूँगा, तो ये देखिए, ये कोडा बार में जो है इस तरीके से QR कोड बनकर आ गया है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ आपको नीचे दिख रही है। आप इसको, जो ये 3 डॉट दिख रहे हैं,
आप इसको एडिट कर सकते हैं, नीचे सिंबल आपको दिख रहा है, CSV फाइल आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और ऊपर आप जो है इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद ये दोबारा से फॉर्म में आ जाएगा, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और भी दोस्तों जो आपको तरीके दिख रहे हैं, ये आप इस तरीके से आप देखिए, आप कैलेंडर का बनाना चाहते हैं तो ये कैलेंडर है, इवेंट्स हैं, और आप यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे मैंने इवेंट का नाम लिख दिया है और यहाँ पर ऑल डे इवेंट्स हम कर देते हैं, लोकेशन हम लिख देते हैं इस तरीके से, देन डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं और आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये QR कोड बन गया है, वी कैलेंडर है, ये वर्जन दिया हुआ है, इवेंट का नाम, ये सारी चीज़ें, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो ये जिस इवेंट से संबंधित QR होगा ये आपको वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो दोस्तों आपको जो भी जिस प्रकार का QR कोड बनाना है आप बना सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप कलर थीम्स चेंज कर सकते हैं, वाइब्रेट मोड, क्लिप टू कॉपी वर्ड, कॉपी बोर्ड, ये सारी चीज़ों को आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। QR कोड के कल्चर को कितना ज़्यादा आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको समझ आएगा QR कोड बनते कैसे हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाता है, कैसे रिलेट किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज।